इफ ए कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा है, बी का कोऑर्डिनेट साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा, सी का कोऑर्डिनेट 1, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन एज ए वेरिज, ए वेरिएबल है, देन लोकस ऑफ इट सेंट्रोइड इज, इसका सेंट्रोइड का लोकस फाइंड करना है। मतलब एक देखो, एक ट्राइंगल है ऐसे, ए बी सी एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल का तीनों वर्टिस दे दिया है। ए का कोऑर्डिनेट दे दिया है कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा, बी का कोऑर्डिनेट देखो क्या है, बी का कोऑर्डिनेट है साइन अल्फा कॉमा माइनस कॉस अल्फा, और सी का कोऑर्डिनेट है 1, 2। तो इसका सेंट्रोइड का लोकस फाइंड करना जब ए वेरिएबल है। तो देखो अच्छा, यहाँ पे जो ए है ना, ये तो कहीं क्वेश्चन में नहीं है ना, मतलब ए के प्लेस पर यहाँ पे अल्फा होगा, ठीक है, मतलब अल्फा वेरिएबल है, ये जो है ए नहीं होगा, अल्फा वेरिएबल है, क्योंकि अल्फा ही यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो लोकस फाइंड करना है सेंट्रोइड का। तो जस्ट सपोज दैट कि सेंट्रोइड यहाँ पे कुछ होगा जिसका जो कोऑर्डिनेट है वो एच कॉमा के, जिसका लोकस फाइंड करना होता है उसका कोऑर्डिनेट एच कॉमा के ऐसा माना जाता है, और लास्ट में एच को एक्स लिखा जाता है और के को वाई लिखा जाता है, ठीक है। तो देखो सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3, ये होता है। तो यहाँ पे एच लिखते हैं, एच इक्वल टू क्या होगा, कॉस अल्फा मतलब x1, x2 कितना है साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा और प्लस 1, y में हो जाएगा 3। तो यहाँ से देखो 3h इधर चल जाएगा और 1 को भी ले जाना है, 3h - 1 इक्वल टू हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, इतना होगा। अब इसको मान लो इक्वेशन 1। अब देखो k इक्वल टू कितना लिखेंगे, ये तो h इक्वल टू हो गया। अगर हम k इक्वल टू लिखना चाहेंगे y कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड का, तो y1 + y2 + y3/3, तो y1 है साइन अल्फा, तो साइन अल्फा, y2 है माइनस कॉस अल्फा प्लस 2 और y में हो जाएगा 3, तो 3k और जो प्लस 2 है ये इधर आ जाएगा, -2 इक्वल टू होगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, इतना होगा। इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लो। तो अब देखो अल्फा को एलिमिनेट करना, अल्फा हटाना है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को पहले ऐड करते हैं, तो माइनस साइन अल्फा, अच्छा कॉस अल्फा प्लस और कॉस अल्फा माइनस कट जाएगा ना यहाँ पे, तो इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 करते हैं। जब इक्वेशन 1 और 2 करते हैं लेफ्ट साइड ऐड हो जाएगा 3h + 3k - 3 और इक्वल टू में आ जाएगा 2 sin अल्फा, इतना आएगा। तो अब देखो इसको हम, अच्छा इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, मतलब साइन अल्फा यहाँ से आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2 करते हैं, इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2, तो 3h - 3k और +1 होगा इधर लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में कितना होगा 2 cos अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 4। अब दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग करना है और ऐड करना है, ताकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है ना। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं। देखो लिख देते हैं यहाँ पे स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 3 एंड 4, ठीक है। तो ऐसा करने से फायदा क्या होगा कि लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है वो 3h + 3k - 3 का होल स्क्वायर होगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 3h - 3k + 1 का होल स्क्वायर और इक्वल टू में 4 sin² अल्फा + 4 cos² अल्फा, इतना होगा। अब देखो 4 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये तो 1 हो जाएगा ना, तो 4 × 1 = 4 हो गया। इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा, इसको तो ये होगा 9h² + a + b + c का होल स्क्वायर, ठीक है, 9k² + 9 + 2ab करेंगे तो 18hk होगा और -18k - 18h, ठीक है। इसको जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9h² + 9k² + 1 -18hk - 6 - 6k होगा और +6h होगा, होगा ना 2ab करने से, ऐसा ये हो गया। अब देखो दोनों से क्या क्या कट गया, ये -18hk + 18hk कट जाएगा। अब जो बचा हुआ है उसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 9h² + 9h² ये दोनों मिलके हो गया 18h²
ओके के स्क्वायर देखो 9 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं ना 18 के स्क्वायर। ठीक, इसके बाद एक्स वाला टर्म देखो, एक्स वाला टर्म यहाँ पे अच्छा -18h है और +6h है, तो -12h हो जाएगा, -12h होगा। ठीक है, अब k वाला टर्म -18 के -6 के, तो -24k होगा। अब देखो कॉन्स्टेंट टर्म 9 हो गया, 9 प्लस 1 10, इधर 4 है तो यहाँ बचेगा 6, ताकि इक्वल टू 0 लिख सके। तो अब देखो यहाँ से सब में 6 तो कॉमन आ ही रहा है, तो 6 कॉमन लेकर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3h² और +3k² -2h -4k+1=0, और लास्ट में h को x और k को y रख देना है। और देखो ये दोनों से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x² + y² ठीक, -2x - 4y+1=0। ठीक है, तो ये हो गया लोकस। अब देखो कि ऑप्शन जो दिया हुआ है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये थर्ड वाला 3 x² + y² - 2x - 4y+1 है ना। देखो 3 x² + y² - 2x - 4y+1=0, तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, लोकस फाइंड करना था, लोकस आ गया ये सी ऑप्शन वाला कर्व। ओके।